मैंने आपको कहा था ना मैं घर जा रहा हूँ, मतलब गाँव जा रहा हूँ, तो अभी क्या प्लान हुआ है थोड़ा सा, मतलब दोबारा एक बार जाना ही है बाद में, और उससे पहले मुझे जाना है किसी को ड्रॉप करने के लिए। इसे कहते हैं गांव की ना बात अलग है, गांव से बेस्ट कुछ नहीं, इसलिए गांव जाने का ये सौभाग्य इतने टाइम बाद प्राप्त हो रहा है मुझे। वैसे जो है गाड़ी जाने का प्लान है, अगर बंदा बोलता है चलने का तो देखूँ, दो चार दिन रह के आऊँगा, उसके बाद फिर दोबारा दिल्ली से दोबारा घर जाना है। एक चीज़ सच है, जब आपको जल्दी होना तभी बसें नहीं मिलेंगी, उसके बाद तो बस आती रहेगी कोई कितनी ही। अभी जल्दी है, मुझे कहीं जाना है, काम करना कुछ, उसके चक्कर में बस नहीं आएगी, 20-25 मिनट लगता है फिर ख़राब होंगे। अभी जा रहा हूँ दुकान पे, और जो बाइक रख के आया था ना थोड़ा सा वो चेक करना है। एक्चुअली कल जाना मुझे एग्ज़ाम देने, किसी चीज़ का टेस्ट है उसके लिए जा रहा हूँ। अगर तो जो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोकेशन पता भी नहीं है, तो मैप के थ्रू जाना है, फ़ोन वोन तो कुछ अलाउड नहीं है, देखते हैं कैसे जाते हैं। पर बाइक ना बीच में कल बताया तो स्टार्ट नहीं हुई है, पता नहीं क्या टंकी पर कभी जो बारिश पड़ी थी ना, तो बाइक वैसे बाहर खड़ी हुई, तो टंकी फिर से पानी गया हुआ। ये टंकी में पानी ज़्यादा नहीं, कि मुझे सुन नहीं आता इतना पानी कैसे आया था। अब मेरे निकलता ही नहीं है 50-100 ml, 100 ml, 200 ml निकले तो आधा आधा लीटर निकलेगा। कितने बार मैं ये सोचता हूँ कि मेरी बाइक में टंकी में पानी पेट्रोल भरा हुआ है, और एक बार बाइक अच्छी एवरेज दे दी, बार बार ज़्यादा टंकी में पानी भरा पड़ा। अब मन तो कहते यही ले लूँ, सस्ती हो जाती है बस। अभी मेरी बाइक ना यहाँ खड़ी है, और इधर मलबा था ना पहले, तो मलबा वाला के चक्कर में बाइक को हटा दिया, चाबी में दे के गया था, और भैया हमारे अभी है नहीं दुकान पे, हैं कहीं काम से गए हैं लग रहा है। चाबी भी ना भैया की दुकान में ही है, नहीं तो फिर पेट्रोल भराने चला जाता। अब फ़ोन कर चुका हूँ 3 बार, फ़ोन उठा नहीं रहे, पता नहीं कहीं बिजी होंगे लगता है काम पे। अगर आते हैं ठीक है, नहीं तो फिर देखता हूँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दुकान तो ऐसे खुली हुई है पर ऐसे खोल नहीं सकता ना, तो जैसे आते हैं फिर देखता हूँ। कहाँ रह गए थे, हैं फोन कर रहे थे लगातार। अरे अरे मोटे वाले पटाखे फोड़ो, छोटे पटाखे काम नहीं चलेगा, उसको प्रिंटर करो, 2 दिन और निकलेगा, इसे प्रिंट करो। अभी भी ना टायर से जाएंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो स्टार्ट करने अब करता हूँ, क्योंकि एक बार का स्टार्ट करता है स्टार्ट नहीं हो रही थी, पता नहीं टैंकी में पानी है, बस पेट्रोल दिखा रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेट्रोल से ज़्यादा डलवाया नहीं था, 150-200 डलवाया था, वही पड़ा हुआ था, पर टंकी में ऐसे हिलता है भरा हुआ, पर हम नहीं भरवाते ना तो पराल भर देता है जी भर के। चौक भी जाम है, रेस बार भी जाम है, सब जाम है, होती है चीज ऐसे होगी फिर बंद हो जाएगी। हाँ वैक्यूम कहीं वो एयर ले रही हो जाती है, इसलिए दिक्कत होती है। रेस जाम है, चौक जाम है, डिस्क का क्या करें, खोल देंगे सर डिस्क का, जाम है देखो ना, एक मिनट जाओ चेक करो कहाँ गया, बैठो अरे उठा, डिस जाम है पूरा, पंप चेंज करते थे बाद में देखते हैं पंप करें या किट की चेंज करें। अब मैं इतना आलसी हो गया, मैं चेक भी नहीं करता, भैया ही चेक करते हैं, भैया देता हूँ चेक करो, मन ही नहीं करता चूने का, अलग तो हो गया। वैसे भी अभी वायरिंग थोड़ा ऑलिंग करूँगा, चेंज नहीं करूँगा, पर नई बार डाले जाए टाइम है, कितने दिन हो, 3-4 महीने में भी मुश्किल से डाले हुए, ये ध्यान भी नहीं देता, पर टाइम नहीं हुआ ना ही चलिए, जाम हो गया। अब खोल के देखते हैं, ऑलिंग कर देंगे थोड़ा चल जाएगा, देसी जुगाड़ क्यों खर्चा कर जाए ऑलिंग से काम करते, चौक में जॉब भी नहीं पड़ती, ऑलिंग कर दो, रेस वाले देखता हूँ क्या इश्यू है। कितना सा ये 3500 रुपए का सच में बड़ा महंगा है, फिर ये एक समय 2-2, 3-3 रुपए का खरीदा करते थे इसको।
एक टाइम में मुर्गा छाप के पकड़ पैक 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए मैक्सिमम लेते थे, अब इतने 35 रुपए क्या दिवाली मनाएंगे इतनी महंगी वाली। अब फोड़ेगा फिर भी भैया फोड़ने जा रहे हो क्या? कहाँ है वाली। ए, मेरी टंकी में फोड़ोगे, शर्म नहीं आती आपको? और फ्रेंड ये ना तार बहुत ज्यादा जाम है, ये देख लो खींचा मेरे तार कितनी जाम, देखा ना ये खींच नहीं रही, देखो इतनी जाम तार हो गई, जबकि नई तार डाली थी ये, इतना बुरा हाल है इसका। ये भी जाम है, ये वाला रेस की भी जाम चल रही है, दोनों को खोल के वाली ओए ये क्या है, कुछ फटा भी नहीं है। पुस्सी हम लाते हैं यार, पैसे दे के भी है वापिस दे के आओ, ये जो फट नहीं रहा है वापिस करके आओ। इससे काम चला जा रहा है, पेट्रोल लगा दिया। चलो जितना जुगाड़ कुछ किया वो जितना हम कर रहे हैं, कितना पैसा बचा लिया अभी आगे 5 मिनट से यही कर रहे हैं। आया था तो आ गया बोल, तो इंजेक्शन वॉल भर रहे हैं इसमें डालने के लिए। तो ये किट भी डालनी थी फ्रेंड, तो ये रबड़ जो है फट गए हैं, इसको इसमें किट है पर इसमें जो है ना इसकी अंदर की भी होती है पिस्टन वाली, तो वो तो डालूंगा नहीं, वो वेस्ट है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोकल ही है, यही मिली और कोई मिली नहीं मुझे फिलहाल यहाँ पर। तो ये जो लंबी वाली ये डाल लेते हैं और एक इस वाली, दोनों की क्योंकि इससे थोड़ी आवाज़ थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि ब्रेक मारने की वाइब्रेशन होती है ना तो साउंड आता है, तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। इन दो बूटों के लिए कितनी दिक्कत हुई है पता है, एक इसमें लगा दी और एक इसमें बूट, ओहो अरे एक इस बूट में लग गई है बस, और इसमें ग्रीसिंग करके फिट कर देते हैं। वैसे में बैटरी खराब है, वैसे सबसे इसका मेन इशू पता क्या है, सबसे मेन इशू है इसका जो डिस्पम्प का था ना वो ठीक हो गया, इसमें मतलब ग्रीसिंग कर दिया और जो बूस्ट से उड़ा दी है तो आवाज़ भी नहीं कर रही, अभी तो टायर फ्री है पर ये पंप को मार रहा हूँ थोड़ा सा ना, जैसे दबाते वक्त अगर रगड़ती है ना पंप, वैसा इसका फील हो रहा है। ब्रेक मारता हूँ ना देखो, ये ऐसे रुक रुक के होती है, एकदम से नहीं होती, ऐसे ऐसे रुक रुक के, मतलब एकदम से ब्रेक नहीं लगते, झटके झटके ब्रेक लेके होती है। तो ये इसका पंप का इशू, मैं श्योर फिलहाल पंप जो डाला था वो भी ऐसे डाला था मैंने, मतलब वो जेन्युइन नहीं मिला था, अगर इस बार ये मिल जाएगा सस्ते में मतलब क्वालिटी वाला वेंटर का तो इसको डाल देंगे फिलहाल, अभी है बढ़िया। जी मैं सोचता कि मैं जुगाड़ दिखाता हूँ, एक्चुअली पता है क्या है, जो चीज़ चल सकती है हमें पता है वही चीज़ मैं कर मतलब कहता हूँ ये चीज़ करनी चाहिए, पर फ्रंट का क्या होता है कि जैसे जाम चल रही हो तो बिल्कुल ना करो, कुछ चलाए जा रहा हो, मेरे को हल्का सा जाम होता है ना, हम जो बाइक को मतलब स्टैंड से उतारते हैं फिर लुढ़काते हैं, उस समय अगर बाइक वजनदार भारी चलती है तो पाया जाता है जाम है। और दूसरी बात यह है कि अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा कुछ अभी गांव से जाने वाला हूँ, तो इसमें लगाना नहीं चाहता फिलहाल, और अगर कुछ भी इशू आता है जैसे बैटरी ख़राब है तो अभी डालूंगा तो ये महीना डेढ़ महीना खड़ी रहेगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी मैं गांव से आने के बाद कुछ सोचा हूँ, अगर वो हो जाता है तो फिर तो कुछ कराना ही, तो जो भी चीज़ें हैं इसलिए इतना। और कल मेरा है एग्ज़ाम, मतलब किसी चीज़ का ड्राइविंग का एग्ज़ाम है, तो वही देने जा रहा हूँ, अगर देखो सिलेक्शन हो जाता है तो फिर तो ठीक है, नहीं हुआ तो मुझे लगता नहीं कहूँगा, और मम्मी को बताया जैसे मैं लगे एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो घर वाले क्या बोल रहे हैं मुझे कि तू सिलेक्ट तो हो जाएगा ना, सिलेक्ट तो हो जाएगा ना, मतलब मैं जानता नहीं हूँ नहीं हूँ, घर वाले बहुत सपने देख लेते हैं कि ये फलाना ठिकाना, तो घर वाले को सपने बहुत होते हैं उनसे, तो मैं बताता नहीं, पर मैं देने जा रहा हूँ छुट्टी ले रहा हूँ, इसलिए पता चल जाएगा घर में छुट्टी क्यों लेके जा रहा हूँ। तो दे के आते हैं कोई नॉर्मल पेपर है, पेपर को पेपर की तरह लोग कोई सीरियस लेकर मैं चलता नहीं, और तैयारी मैंने कुछ नहीं की रियलिटी का, इसलिए पेपर में ये कर रहा हूँ बताऊँगा, कल जाना है बाइक लेकर तो पहले ही है फिर भी। और अभी कुछ भैया का वहाँ मंगाने मतलब बोला कुछ खाते हैं, भूख लग गई है तो चाउमिन मंगा रहे हैं भैया और मैं खाते हैं, फिर कुछ कपड़े लेने हैं उसके लिए शॉपिंग करने जाना है। चार बजे खाना खाने का टाइम होता है, हमेशा ऐसा ही करते हैं, ये खाना हमेशा लेट खाते हैं, कभी 4 बजे कभी 5 बजे, अभी खाना खा के बोले चाउमिन खाओगे टाइम होता है खाने, ये तो 4 बजे जल्दी खा लिए मतलब खाना टाइम नहीं है खाना खाने का।
मेरे को बोलता हूँ कितने बार टाइम पे खाओ टाइम पे घर जाओ, ना ड्यूटी आने का टाइम ना जाने का, बैठ के दो दो बजे तक काम भी करेंगे।